और फ्रेंड आज मैं अपने रसोई घर में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी बनाने में इतनी आसान है, उतनी ही ज्यादा ये टेस्टी भी है। और इसे आप कोई भी चाट, ढाबेली, गुपचुप, जो भी चाट आप अपने घर में बनाते हैं उसमें आप इसे यूज करिए, खाइए। बहुत ज्यादा यम्मी लगती है और ये कितनी आसानी से झटपट बन के तैयार होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए, खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो मार्केट में खजूर आते हैं ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे, किसी फ्रूट की दुकान में भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक कटोरी खजूर ली है जिसे मैंने इस तरह से पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख लिया है। मैंने एक बाउल खजूर लिए हैं और मैंने यहाँ पे आधी छोटी कटोरी के करीब इमली ली है जिसे भी मैंने पानी में 1 घंटे के करीब भिगो दिया है। और हमने यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है लगभग 100 ग्राम के करीब या आधी छोटी कटोरी, जिसे मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। और इस चटनी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। देखिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, गैस को हमने यहाँ पे चालू कर लिया और जो 1 गिलास पानी में हमने खजूर को भिगोए थे उसे और इमली सभी चीज़ों को हम 10 मिनट तक एकदम तेज आंच पे हम उबाल लेंगे। पूरे 10 मिनट तक मैंने इसे तेज आंच पे इसी तरह से पूरा पका लिया है और आप देख सकते हैं जो गुड़ था वो भी इसमें मेल्ट हो गया और पानी भी एकदम गाढ़ा हो गया है थोड़ा थोड़ा। अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखिए हम एक दूसरे बर्तन में ऊपर छन्नी रख के इसे इस तरह से छान के हमें निकालना है और जो खजूर है उन्हें हमें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम उन सबकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। देखिए मैंने खजूर को ठंडा करके उसकी सभी गुठलियाँ जो है निकाल ली है। अब हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए मैंने खजूर को मिक्सी ग्राइंडर में डाल लिया और जिस पानी में हमने उबाले हैं खजूर को उसी पानी में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे पेस्ट जैसा पीस लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए मैंने खजूर और जो इमली सब चीज़ें हमने गुड़ अच्छे से पीस लिए हैं और एकदम गाढ़ा पेस्ट हो गया। अब हम इसे उसी बाउल में छान देंगे। देखिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से चम्मच से कटोरी में इसे छान लेंगे। मैंने खजूर और उसको सब अच्छे से सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे छान लिया है और आप देख सकते हैं जो रेसे थे एक्स्ट्रा वो हम यहाँ पे निकाल देंगे। जो मैंने चटनी बनाई थी उसे मैं गैस पे पैन में डाल दूंगी और चटनी आप अपने पसंद से गाढ़ी या पतली जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खजूर की चटनी आज थोड़ी पतली बनाऊंगी क्योंकि ये चटनी हम चाट में, ढाबेली में, किसी भी चीज़ में अगर लगाएंगे तो बहुत टेस्टी इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। और अब इसे हम तेज आंच पे जो हमने नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया था उसे डाल के एक उबाल आने तक पकाएंगे। देखिए एक उबाल आ गया है और अब इसे मैं बंद कर देती हूँ और आप देख सकते हैं हमारी खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। और इस चटनी को आप किसी भी चाट, गुपचुप, ढाबेली उसके साथ एंजॉय करिए। चटनी को मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो देखा फ्रेंड कितनी जल्दी तैयार हुई हमारी खजूर इमली की चटनी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी यम्मी यम्मी सी डिशेस मिस ना करें। थैंक यू।